हिमाचल प्रदेश में 27 दिसंबर यानी आज भाजपा सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे हो गए हैं। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर बड़ा आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि हैं। फिलहाल अमित शाह शिमला पहुंच गए हैं। अनालेड में हेलीपैड पर गृह मंत्री उतरे। यहां से वह रैली स्थल रिज मैदान में उपस्थित जना को संबोधित किया। भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने CAA पर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस एक्ट में कहीं पर भी किसी की भी नागरिकता छीने का प्रावधान नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो अल्पसंख्यक भाई आए हैं उन्हें नागरिकता देने का प्रावधान है। कांग्रेस एंड कंपनी अफवाह फैला रही है कि नागरिकता संशोधन कानून से अल्पसंख्यक लोगों की नागरिकता जाने वाली है। मैं यहां से राहुल बाबा को चैलेंज देता हूं कि इस एक्ट में एक भी जगह किसी की भी नागरिकता लेने का प्रावधान है तो दिखाइए। देखिए एक रिपोर्ट। देश की जनता को कहना चाहता हूं और विशेषकर माइनॉरिटी के भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, ये बिल अब बन चुका है, भारत सरकार की वेबसाइट पर है। ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस एंड कंपनी अफवाह फैला रही है कि इससे माइनॉरिटी की, मुसलमान भाइयों की नागरिकता जाने वाली। मैं चैलेंज देता हूं यहां से राहुल बाबा को, ये पूरे एक्ट के अंदर एक भी जगह पे किसी की भी नागरिकता लेने का अगर प्रावधान है तो कृपया आप बता दीजिए। मैं आज इस देश के सभी नागरिकों को कहने चाहता हूं, इस देश के बिल के अंदर, एक्ट के अंदर कहीं पर भी किसी की भी माइनॉरिटी की भी नागरिकता छीनने का प्रावधान ही नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो माइनॉरिटी वाले भाई आए हैं उनको नागरिकता देने का प्रावधान है, देने का प्रावधान है। कृपया आप अपप्रचार मत करिए, देश की शांति को मत तोड़िए, लोगों को गुमराह मत करिए। या तो आपके पास तथ्य है तो जनता के सामने लेकर आइए। आज इस योजनाओं से 5 लाख तक का सभी खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार और जयराम ठाकुर सरकार दे रही है। इससे बहुत बड़ा फायदा आज हिमालय के लोगों को होने वाला है। अभी अभी 2019 में चुनाव हुआ, मैं हिमाचल के हर मतदाता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने चारों चार सीटें मोदी जी की जोड़ी में डाली। देश भर से 300 से ज्यादा सीटें जीतकर फिर एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। और मित्रों, मोदी जी पहली बार भी प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार भी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी की काम करने का तरीका ऐसा है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ वो ही कर सकते हैं। कई सालों से पहली टर्म में जब प्रधानमंत्री बने, कई सालों से इस देश का सेना का जवान वन रैंक वन पेंशन को मांगता था, मगर कांग्रेस वाले 40-40 सालों से वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी नहीं करते थे। मोदी जी ने एक ही साल में वन रैंक वन पेंशन की मांग को समाप्त कर अब तक 35,000 करोड़ रुपया मेरे सेना के रिटायर्ड जवानों के घर में ज्यादा भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। देश की सुरक्षा का मामला हो, कांग्रेस की सरकार 10 साल चली, सोनिया मनमोहन जी की सरकार चली, पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ऊप नहीं निकलता था, सीमाओं को खुला छोड़ा हुआ था। मोदी जी की सरकार बनी, पाकिस्तान को लगा कि ऐसे ही चलेगा, मगर उनको मालूम नहीं था
एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।